1956 के बाद द एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंस ने हर साल बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म के लिए बहुत सारी कंट्रीज की फिल्म इंडस्ट्रीज को अपनी बेस्ट फिल्म सबमिट करने के लिए इनवाइट किया है। अवार्ड एकेडमी द्वारा एनुअली उन फीचर लेंथ मोशन पिक्चर्स को दिया जाता है जो यूएसए के बाहर बनी हो और उसमें इंग्लिश के अलावा किसी दूसरी लैंग्वेजेस के डायलॉग हों। द फॉरेन लैंग्वेज फिल्म अवार्ड कमेटी इस प्रक्रिया की देखरेख करती है और सभी सबमिट की गई फिल्मों की समीक्षा करती है। पिछले साल 92 कंट्रीज ने अपनी मूवीज सबमिट की थी जिसमें चिले की अ फैंटास्टिक वुमन ने अवार्ड जीता था। खैर, इस साल 87 कंट्रीज ने फिल्म सबमिट की हैं, तो आइए देखते हैं कौन सी ऐसी 10 फिल्में हैं जो इस साल रेस में आगे रह सकती हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमन, आप देख रहे हैं सिनेमैटिक ज्ञान। लेट्स गेट स्टार्टेड। बॉर्डर, ये स्वीडन की फिल्म है और स्वीडिश लैंग्वेज में है। ये कस्टम ऑफिसर टीना की कहानी है जो अपनी बेहतरीन सूंघने की काबिलियत के लिए जानी जाती है। ये बिल्कुल ऐसा लगता है कि अगर कोई कुछ छुपा के जुर्म करना चाहता है तो वो उसे महसूस कर लेती है, पर जब वो एक संदिग्ध दिखने वाला आदमी उसके पास से गुजरता है तो उसकी एबिलिटीज के लिए ये पहली बार एक चुनौती जैसा साबित होता है। टीना फील कर सकती है कि वो कुछ छुपा रहा है जो वो ढूंढ नहीं सकती। इससे भी बुरा ये है कि वो उसकी तरफ एक अजीब सा आकर्षण महसूस करती है। जैसे जैसे टीना वोरे के साथ एक स्पेशल बॉन्ड डिवेलप करती है और उसकी असली आइडेंटिटी का पता लगाती है, उसको अपने बारे में भी एक सच पता चलता है। टीना वोरे के जैसे ही इस दुनिया से बिलोंग नहीं करती। उसका पूरा अस्तित्व एक बहुत बड़ा झूठ है और अब उसे चुनना है कि वो उस झूठी जिंदगी को जीती रहे या वोरे के भयानक खुलासों को गले लगाए। रोमा, ये मेक्सिको की मूवी है और स्पेनिश लैंग्वेज में है। रोमा क्लियो की कहानी को फॉलो करती है, एक यंग लड़की जो मेक्सिको सिटी के रोमा में एक मिडिल क्लास फैमिली के घर का काम करती है। वो उस औरत को एक आर्टफुल लेटर भेजना चाहती है जिसने उसे पाल पोस कर बड़ा किया। कुरोन ने अपने बचपन के सहारे 1970 के डेकेड के राजनीति उथल पुथल के बीच घरेलू संघर्ष और सोशल हायरार्की का एक स्पष्ट और बेहतरीन चित्र बनाया है। शॉपलिफ्टर्स, ये जापान की मूवी है और जापानीज लैंग्वेज में है। अपने शॉपलिफ्टिंग सेशन में से एक के बाद ओसामू और उसका बेटा ठिठुरने वाली ठंड में एक छोटी लड़की से मिलते हैं। लड़की को सहारा देने के लिए पहली बार वह सहमति नहीं देती। ओसामू की पत्नी उसके सामने आने वाली कठिनाइयों को सीखने के बाद उसकी देखभाल करने के लिए सहमति दे देती है। हालांकि परिवार गरीब है, मुश्किल से छोटे अपराध करके अपनी जिंदगी चला रहा है। ऐसा लगता है कि वो खुशी से साथ में रहेंगे जब तक एक अप्रत्याशित घटना छिपे रहस्य का खुलासा करती है जो उनके बॉन्ड का टेस्ट लेती है जो उन्हें एक साथ रखता है। कोल्ड वॉर, ये पोलैंड की फिल्म है और पोलिश लैंग्वेज में है। कोल्ड वॉर एक आदमी और एक औरत के पैशनेट लव स्टोरी है जो पोलैंड की लड़ाई के बाद एक खंडर में मिलते हैं। जिनका बैकग्राउंड और स्वभाव बहुत ज़्यादा अलग है, वो एक दूसरे से मेल नहीं खाते और फिर भी एक साथ हैं। ये कहानी पोलैंड, बर्लिन, यूगोस्लाविया और पेरिस में 1950s के कोल्ड वॉर के दौरान की है। ये कहानी है उस कपल की जिन्हें राजनीति की वजह से अलग किया गया। कैरेक्टर में खामी और बदकिस्मत भाग्य के कई मोड़ हैं। यह एक नामुमकिन वक्त में एक नामुमकिन लव स्टोरी है। केपरनॉम, ये फिल्म लेबनान की है और अरेबिक लैंग्वेज में है। इसकी कहानी जैन के इर्द गिर्द घूमती है। एक 12 साल का लड़का जो अपने माँ बाप पर केस करने का फैसला लेता है कि वो उसे इस दुनिया में क्यों लाए। शहर की गंदगी में जन्मे और बेरूत की गलियों की कड़ी जिंदगी में जैन पहले से ही उस आदमी पर हमला करने के लिए जिसने शादी के लिए उसकी बहन का हाथ मांगा था 5 साल की सजा भुगत रहा है, और अपने माता पिता के खिलाफ उसका ये केस
घर के जीवन के बारे में गंभीर डिटेल्स बताता है जो मूल रूप से सोचा जाने से कहीं अधिक परेशानी से भरी हैं। द गिल्टी, ये डेनमार्क की मूवी है और डेनिश लैंग्वेज में है। अलार्म डिस्पैचर एस्गर होम एक औरत की इमरजेंसी कॉल का जवाब देता है जिसको किसी ने अगवा कर लिया है। जब कॉल अचानक डिस्कनेक्ट हो जाती है तब उस औरत और उसके किडनैपर की खोज शुरू होती है सिर्फ उस फोन कॉल के जरिए। एस्गर जल्द से जल्द उस औरत को बचाने की कोशिश करता है पर बहुत जल्द उसे यह एहसास होता है कि वो जिस जुर्म का सामना कर रहा है वो उम्मीद से कहीं ज्यादा बड़ा है। डॉगमैन, ये इटली की फिल्म है और इटालियन लैंग्वेज में है। मार्चेलो एक सिंपल आदमी है जिसकी जिंदगी उसकी बेटी सोफिया और उसकी ग्रूमिंग सैलों के इर्द गिर्द घूमती है जो कुत्तों के लिए है। सिमोन एक पूर्व बॉक्सर है जो कुछ टाइम पहले ही जेल से छूटा है। बहुत सारी गाली गलौज के बाद मार्चेलो सिमोनचिनो की हेल्प करने का फैसला लेता है कुछ डकैतियों में, पर वो खुद एक साल जेल में बिता के आता है। जब वो वहां से छूटता है और उसे एहसास होता है कि वह अकेला है तो मार्शेलो बदला लेने की ठान लेता है। कर्ल, ये बेल्जियम की फिल्म है जो डच और फ्रेंच लैंग्वेजेस में है। कर्ल एक 15 साल की लड़की लारा की कहानी है जो बैलेरीना बनना चाहती है क्लासिकल ट्रेनिंग फॉर फीमेल डांसर्स के साथ। लारा को बैले स्कूल में एडमिशन मिल जाता है और उसको अपना सपना बहुत करीब नजर आता है, पर यहाँ एक प्रॉब्लम है। लारा एक लड़के के शरीर में जन्मी थी जिसका मतलब वो एक ट्रांसजेंडर है, इसलिए वो सफलता को पार करना चाहती है पर उसे इसके लिए हर हद से पार गुजरना होगा। बर्ड्स ऑफ पैसेज, ये कोलंबिया की पिक्चर है और स्पेनिश में बनी है। मैरिजुआना बोनेंजा के दौरान एक हिंसक दशक जिसने कोलंबिया में ड्रग ट्रैफिकिंग को पनपते देखा, रैपायट और उसका परिवार इस बिजनेस को कंट्रोल करने की लड़ाई में शामिल हो जाते हैं जो अंत में उनकी जिंदगी और कल्चर को नष्ट कर देता है। आई एम नॉट अ विच, ये यूनाइटेड किंगडम की फिल्म है और बैम्बा लैंग्वेज में बनी है। अपने गांव में एक मामूली दुर्घटना के बाद 8 साल की लड़की शुला, जिस पर काले जादू का आरोप है, एक ट्रायल के बाद उसे दोषी पाया जाता है और उसे विचेस कैंप में बंद कर दिया गया है। शुला को एक रिबन से बांधा हुआ है जो एक बड़े ट्रक पर एक कॉइल से जुड़ा हुआ है। उसे बताया जाता है कि अगर उसने रिबन काटकर भागने की कोशिश की तो उसे शाप दिया जाएगा और एक बकरी में बदल दिया जाएगा। तो दोस्तों, ये थी वो 10 फिल्में जो अगले साल बेस्ट फॉरेन फिल्म कैटेगरीज में आगे रह सकती हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा। अगर आपकी कोई ओपिनियंस या सजेशंस हैं तो प्लीज़ उनको कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और अगर आपको ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो देखनी है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।